नमस्कार दोस्तों, मैं होरेशस आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम आपके लिए नेक्स्ट चैप्टर लेकर आए हैं जो है साधारण एवं दशमलव भिन्न, सिंपल एंड डेसिमल फ्रैक्शन। यह हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा। यह चैप्टर है हमारा वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का, जिसमें हम आज आपके लिए भिन्न फ्रैक्शन कराने वाले हैं, बहुत आसान तरीका से बताने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं भिन्न क्या होती है। दोस्तों, जैसे कि आपने काफ़ी पढ़ा होगा भिन्न के बारे में, तो आइए आज हम आपके लिए देसी तरीके से बताने वाले हैं कि भिन्न क्या होती है। तो किन्हीं भी दो क्रमागत पूर्ण संख्याओं के मध्य की संख्या भिन्न कहलाती है। हम इसकी यहाँ परिभाषा लिख देते हैं, डेफिनेशन लिख देते हैं, जिससे कि तुम्हें कोई दिक्कत है? ना आए। किन्हीं भी दो क्रमागत पूर्ण संख्याओं के मध्य की संख्या भिन्न कहलाती है। ठीक, अब इसमें हम क्या देखते हैं? किन्हीं भी दो क्रमागत पूर्ण संख्याओं के मध्य की संख्या भिन्न कहलाती है। तो देखिए, इसमें पूर्ण संख्या कौन सी होती है हमारी? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 40, 42, 44। दोस्तों, यह हमारी पूर्ण संख्या हैं के मध्य की संख्या भिन्न कहलाती है। अब इसके मध्य की संख्या कौन सी है? इसके मध्य की संख्या कौन सी है? संख्या भिन्न कहलाती है जो है हमारी 1/2 और 1/3/4 और 2/3/2 और 4/5/8। ठीक, यह हमारी भिन्न होती है, यह हमारी पूर्ण संख्या होती है। भिन्न को आपने देखा होगा पी और क्यू की फॉर्म में लिखा जाता है, पी और क्यू की फॉर्म में लिखा जाता है, जैसा कि आप देख पा रहे हो। अब हम चलते हैं अंश और हर। अंश और हर क्या होते हैं? अंश और हर, अंश और हर को आज हम बताते हैं भिन्न की रेखा से ऊपर। भिन्न की रेखा से ऊपर, तो रेखा से ऊपर, भिन्न की रेखा से ऊपर वाली संख्या अंश तथा रेखा से नीचे वाली संख्या हर कहलाती है। यह हमारा अंश होता है, यह हमारा हर होता है। यह हमारी किसकी फॉर्म में होगी? यह हमारी ये भिन्न बराबर होता है अंश बट्टे हर। भिन्न की रेखा से ऊपर, भिन्न की रेखा से ऊपर अंश और रेखा से नीचे हर संख्या हर कहलाती है। ठीक, तो आइए हम जानते हैं भिन्न के प्रकार। भिन्न के प्रकार, भिन्न ये हमारी होती हैं, ये तीन प्रकार की होती हैं। भिन्न हमारी कितने प्रकार की होती हैं? तीन प्रकार की। ठीक, तो आइए हम आपके लिए बता दें कि तीन प्रकार की यह भिन्न कौन कौन सी होती हैं। जैसा कि आप पहली भिन्न जानते हो, सम भिन्न, और हमारी दूसरी होती है विषम भिन्न, और हमारी तीसरी होती है, ये होती है हमारी संयुक्त भिन्न। तो आइए हम चलते हैं पहली भिन्न की तरफ, जो हमारी सम भिन्न हमारी क्या कहती है और यह हमारी कैसी होती है। आपको सिर्फ
इन तीनों भिन्नों में से सिर्फ एक भिन्न को याद करना है, एक भिन्न को समझना है, बाकी आप यह दो भिन्न इसी के ऊपर हैं। ठीक, तो आइए हम बताते हैं आपके लिए संभिन्न क्या होती है। अंश का मान हर से, हम यह लिख दें अंश का मान हर से सदैव कम होता है। अंश का मान हर से सदैव कम होता है। जैसे एग्जाम्पल में हम आपके लिए बता दें कि अंश का मान हर से सदैव कम होता है, तो हमारा अंश क्या है 5, और हर से कम होगा, हर से कम, हर ज़्यादा अंश कम, यह क्या होगा हमारा संभिन्न। अंश का मान हर से कम होता है, यह हमारा क्या अंश, यह क्या हमारा हर, हर से कम होता है अंश का। ठीक, जैसा कि आप देख पा रहे हो, तो देखिए यह हमारा अंश है, यह हमारी संख्या 3 अंश है, यह हमारा हर है। ठीक, अंश का मान हर से सदैव कम होता है, हर से कम होता है, हर से कम होता है अंश का मान, हमारी कहलाती है संभिन्न। ठीक, तो आइए अब हम दूसरी भिन्न की तरफ चलते हैं, जो है हमारी विषम भिन्न। तो आइए हम विषम भिन्न में क्या देखते हैं। विषम भिन्न, विषम भिन्न में आप देखोगे, विषम भिन्न में आप देखोगे इसमें अंश का मान हर से अधिक होता है, इसमें अंश का मान हर से अधिक होता है। हमने आपसे कहा था आप सिर्फ यह संभिन्न को समझ लो, रट लो, बस आपके लिए यह विषम और संयुक्त भिन्न याद हो जाएंगे। ठीक, हमने कहा कि इसमें अंश का मान हर से अधिक होता है, हर से अधिक होता है, हर से अधिक होता है अंश का मान। हर हमारा अगर 6 है तो हर से अधिक होता है 6, और योग हमारा 7। ठीक, यह हमारा 7 है तो योग हमारा 8, यह हमारा 8 है तो योग हमारा 9, अगर ये हमारा 9 है तो योग हमारा 10। ठीक, अंश का मान विषम भिन्न में हर से अधिक होता है अंश का मान, यह हो गया हमारा विषम भिन्न, जो सम के एकदम अपोजिट है। तो आइए हम चलते हैं तीसरी भिन्न, जो है हमारी संयुक्त। संयुक्त भिन्न क्या होती है, संयुक्त भिन्न की हम परिभाषा बता दें आपके लिए। सबसे पहले इसमें पूर्ण संख्या और सम भिन्न दोनों ही संयुक्त रूप में रहते हैं, जैसे इसमें पूर्ण संख्या, इसमें पूर्ण संख्या और सम भिन्न दोनों ही संयुक्त रूप में रहते हैं। अब एग्जाम्पल हम बताना आपके लिए, तो पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या हम आपके लिए ऊपर बता चुके थे 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक, तो जैसे हमने बता दिया 2 ले लिया, पूर्ण संख्या हमारी क्या है 2। ठीक, पूर्ण संख्या 2 है हमारी, और सम भिन्न हम यहाँ से उठाते हैं 5/6। ठीक, दूसरी लेते हैं 4, दूसरी संख्या लेते हैं 6/7, यह हमारी क्या हुई सम संयुक्त भिन्न। इसमें पूर्ण संख्या, ये हमारी पूर्ण संख्या, ये हमारी पूर्ण संख्या है, और सम भिन्न दोनों ही संयुक्त रूप में कहलाती हैं, यह हमारी सम भिन्न है। ठीक, तो आइए अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो है हमारा, जैसा कि आप आके देख रहे हो, साधारण भिन्न का जोड़ना, घटाना, गुणा करना तथा भाग देना, यह हम आसान तरीके से आपके लिए बताने वाले हैं। तो आइए हम पहला पॉइंट लेते हैं जोड़ना। भिन्नों का जोड़ किस तरीके से होता है, हम आपके लिए इसकी पहले थ्योरी लिख देते हैं, जिससे कि आप इस चीज़ को आसानी से समझ सको। भिन्नों को जोड़ने के लिए, भिन्नों को जोड़ने के लिए सभी हरों,
हरों और अंशों हमने आपके लिए बता दिए हैं, आप उनमें पीछे जाके देख सकते हो। अंशों का लघुत्तम लिया जाता है, फिर उस संख्या को सब भिन्नों के हरों से बारी बारी से भाग दिया जाता है, जो जो भागफल आते हैं उसको क्रमशः प्रत्येक भिन्न के अंश से गुणा करके जोड़ देते हैं, तो एक परिणामी अंश आता है जो नई भिन्न कहलाता है। ठीक, आप अगर इस परिभाषा को अच्छे से समझ लोगे तो आपको भिन्न जोड़ने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी हम एक एग्जाम्पल लेकर के आपके लिए बताते हैं, जो आपकी वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस की बुक में दे रखा है, साधारण भिन्नों में दे रखा है। यह आपके बुक को हम पूरा करा रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे कि कोई भी नई वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जैसा कि आप देख रहे हो, यह हमारी एक क्वेश्चन है, 4/5, 5/10, 8/16, 4/12 ठीक को जोड़ो। आपके एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन आएगा। अगर आप पर जोड़ो जोड़ का यह परिभाषा आती है या आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं तो आप लगा पाओगे, अन्यथा आपको दिक्कत होगी। तो आइए हम इसे आसान तरीका से लगाते हैं। देखिए, 4 सही 5, 5 सही 10, 8 सही 16, 4 सही 12। अब हम क्या करते हैं, हमने आपसे बोला भिन्नों को जोड़ने के लिए सभी हरों का लघुत्तम लेते हैं। लघुत्तम तो सबसे पहले हम तीनों का लघुत्तम लेंगे, एलसीएम। अगर आप पर एलसीएम लेना आता तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो हम फिर भी बता दे रहे हैं। आप में कुछ भाई दो दोस्त ऐसे होंगे जिनसे एलसीएम नहीं आता है, तो आइए हम उनको भी साथ लेके चलते हैं। तो हम पहले इसमें से एलसीएम निकालते हैं इसका। तो आप जैसे देख पा रहे हो, अब आइए हम इसका एलसीएम निकालते हैं। सबसे पहले हम इसमें भाग देते हैं 2 का, 2 में 5 का नहीं जाएगा, 2 में 10 में चला जाएगा, तो 5 को निकाल लिया। अरे 5 दूनी 10, और ये 8 दूनी 16, और 6 दूनी 12 ठीक। तो आइए फिर हम सबसे छोटी संख्या से फिर से हम 2 से भाग देते हैं। 2 का 5 में नहीं जाएगा, 2 का 5 में नहीं जाएगा, 2 का 8 में जाएगा, 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6 ठीक। तो आइए अब हम नेक्स्ट चलते हैं, फिर हम 2 से भाग देते हैं। 2 का 5 में नहीं जाएगा, 2 का 5 में नहीं जाएगा, 2 का 4 में चला जाएगा, 2 दूनी 4, 2 का 3 में नहीं जाएगा ठीक। इसी तरीके से हम फिर 2 से देते हैं, 5 में नहीं जाएगा, 5 में नहीं जाएगा, 2 एकन 2 और यह 3 ठीक। अब हम देते हैं आगे 3 से, क्योंकि 2 से इसमें कोई नहीं जाने वाला है। फिर हम नेक्स्ट संख्या से भाग देंगे जो हमारी 3, 3 से 5 नहीं कटेगा, 3 से 5 नहीं कटेगा, पूरी पूरी संख्या से नहीं कटेगा, तो 3 एकन 3 ये कट गया। अब हम देते हैं 5 से, 1 1 1 1 ठीक। तो आइए अब हम इसको गुणा कर देते हैं, अब हम इसको इसमें गुणा कर देते हैं। 5 या 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120, 120 दूनी 240। इसका हमारा दोस्तों एलसीएम आया 240 ठीक। अब हमने आपसे बोला था लघुत्तम लिया जाता है, तो हम लघुत्तम हमने ले लिया है। फिर उस संख्या को
सब भिन्नों के हरों से बारी बारी से भाग देते हैं, बारी बारी से भाग देते हैं हरों को, इसमें भाग देते हैं, ये हमारे हर हैं, इसमें हम भाग देंगे, पाँच का भाग देंगे 24 में, जैसा कि आप इस तरीके से बताते हैं, पाँच का भाग देंगे हम इसमें 224 में, हमारा कितनी बार जाएगा ये, 5 चौक 20 और 5 अट्ठे 40, 48 बार गया, तो हमने लिखा 48, 48 गुणा 4, संख्या को भाग दिया तथा भाग भागफल आते ही उसको क्रम से प्रत्येक भिन्न के अंश में गुणा गुणा करके जोड़ देते हैं, पहले हमने गुणा किया फिर यहाँ पर हमने जोड़ किया, जो हमने लिखा है वही हम कर रहे हैं, जो हम कर रहे हैं वही यहाँ लिखा है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम अलग से कुछ कर रहे हैं, आप इसको पढ़िए समझिए आसानी से सॉल्यूशन का पाइएगा, ठीक, तो आइए चलते हम आगे।